शाह साहब हमारे बुजुर्ग हैं जी, नहायत एहतराम के साथ हम बस इतना ही अर्ज करेंगे, मर ना जाते अगर तेरा यकीन होता। शाह साहब ने जितनी गुफ्तगू की है ना, ये मकातबे फिक्र के ना तो उलमा को पता है, इतना ज्यादा इन्होंने थोक के हिसाब से जो हुस्ने ज़न रखा है, किसी मकतबे फिक्र उनकी अवाम को ये बात नहीं पता। अल्लाह करे आज उनको ये पता चल जाए कि वो फिरका नहीं है। जनाब 1517 से लेके 1917 तक 400 साल तक खाना काबा में चार मुसल्ले रहे हैं, शाह साहब के वालिद साहब की पैदाइश से भी पहले की मैं बात कर रहा हूं। सही है, 400 साल तक इन्होंने हनफी शाफी मालकी हमली के नाम पे चार मुसल्ले डाले हैं। माजरत के साथ, अगर ये फिकी इख्तलाफात ही सिर्फ होते तो एक दूसरे के पीछे नमाज पढ़ने के कायल नहीं है। ठीक है, मेरा ख्याल है ये तो आज भी अली भाई एग्जिस्ट करता है, आज भी नमाजें नहीं पढ़ते एक दूसरे के पीछे। जी जी, मैं बात मुकम्मल कर लूंगा। ऐसा नहीं है, वो मुसल्लों को आके सऊदी हुकूमत ने आके उठाया अल्लाह के फजल से, इससे पहले ये 400 साल तक मुसल्ले थे। ये जो बात कर रहे हैं ना जामिया की, नवासिब की, रवाफिज की, वो आज भी मौजूद है। जामिया हनफियों को अहले हदीस जामिया कहते हैं, आज तक कहते हैं, और हनफी अहले हदीसों को मुजस्मा कहते हैं। इस्तवा अल अर्श के अकीदे में एक दूसरे का इनका सख्त इख्तलाफ आज तक मौजूद है। ये बिल्कुल हम किसी विशफुल थिंकिंग में नहीं रहते। और दूसरा, ये जो 73 फिरके हैं ना, एक फिरका जन्नत में नहीं जाएगा। अगर वो एक फिरका है ना तो रसूलुल्लाह तो फिरका नहीं थे। फिरक कहते हैं टूट के अलग होने वाले को। नबी अलैहिस्सलाम, उनके सहाबा और अहले बैत असल थे, उनसे टूट के जो अलग हुए वो फिरक है। वो अकेला जो है वो फिरक नहीं है, वो असल है।